हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक मॉड्यूल है जिसका नाम है, एक्चुअली लाइब्रेरी है जिसका नाम है टर्टल। तो टर्टल जो लाइब्रेरी है ये किस तरीके से काम करेगी, आज इसके बारे में जानेंगे पाइथन में। तो पाइचार्म मैंने ओपन कर लिया है और इसी के ऊपर सारी कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला काम कि यहाँ पर टर्टल को इम्पोर्ट कराना होगा। तो इम्पोर्ट कराने के लिए क्या लिखते हैं हम पाइथन में, सीधा लिखते हैं इम्पोर्ट IMPORT इम्पोर्ट टर्टल। इस तरीके से टर्टल लिख दीजिएगा, इम्पोर्ट टर्टल, ठीक है, और एंटर कर दीजिएगा। जैसे ही एंटर करेंगे तो फिर यहाँ पे लिखना होगा टी इज इक्वल टू टर्टल। टर्टल इस तरीके से लिखिएगा, डॉट टर्टल, डॉट TURTLE, डॉट टर्टल, टर्टल डॉट टर्टल लिख दीजिएगा, एंटर करिएगा। अब क्योंकि हमको यहाँ पर देखिए, ये मैंने क्लास बनाया, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट क्लास बनाया, ऑब्जेक्ट क्लास, ये एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करके जैसे ही नीचे आएंगे तो अब टर्टल को फॉरवर्ड ले जाना है। तो फॉरवर्ड ले जाना है तो यहाँ लिखेंगे टी डॉट फॉरवर्ड, फॉरवर्ड इस तरीके से लिखना है आपको, टी डॉट फॉरवर्ड। और कितना फॉरवर्ड जाएगा तो यहाँ पे इसे 100 फॉरवर्ड ले जाते हैं, ठीक है, एंटर करेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे टी डॉट राइट, अब राइट ले चलेंगे इस टर्टल को, तो यहाँ लिख दिया टी डॉट राइट, ठीक है, और इसको 90 तक ले चलेंगे राइट, ठीक है। अब ये 90 तक हो गया, फिर यहाँ लिखेंगे टी डॉट फॉरवर्ड, टी डॉट फॉरवर्ड, FORWARD, तो टी डॉट फॉरवर्ड फिर लिखा हमने। और इसके बाद यहाँ पर इसको भी 100 तक ले चलेंगे, तो ये हो जाएगा 100 इस तरीके से। और फिर एंटर करके नीचे आएंगे और फिर बारी है कि टर्टल के ग्राफिक्स की विंडो को क्लोज करने की। तो यहाँ लिखेंगे TURTLE टर्टल डॉट डन, बस डन हो गया, तो ये क्लोज हो जाएगा। और अब इसको चलाने की बारी है, यहाँ पर देख सकते हैं ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पे, अब इसको चला दिया जाए, एक बार चलाते हैं देखते हैं क्या होता है। तो ये देख सकते हैं ये टर्टल जो है इस तरीके से बन रहा है। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी किस तरीके से टर्टल को यूज करना है, ठीक है।